वैसे तो फिल्मों में हर जगह लीड हीरो और हीरोइन की ही सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन एक दौर था जब बहन के किरदार के लिए फरीदा जलाल हर तरफ छाई हुई थी। आलम यह था कि हर एक्टर फिल्म में उन्हें अपनी बहन बनाना चाहता था। बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने आई, लेकिन बहन बन गई और फिर धीरे धीरे माँ के रोल में फिट हो गई, लेकिन उनकी डिमांड कभी भी कम नहीं हुई। नमस्कार, फिल्मी तराना चैनल के एक और बेहतरीन पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने वाली फरीदा जलाल की क्या रही पूरी कहानी, विस्तार से सुनिए। 1965 में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर एक टैलेंट हंट आयोजित किया था। इसमें देश भर में कुल 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस टैलेंट हंट को बिमल रॉय, बीआर चोपड़ा, नासिर हुसैन, जीपी सिप्पी, ओम प्रकाश मेहरा और शक्ति सामंत जैसे उस वक्त के दिग्गज फिल्म मेकर्स जज कर रहे थे। इस हंट के लास्ट राउंड में 8 लोग सिलेक्ट हुए। इन 8 लोगों में सुभाष घाई, धीरज कुमार, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और फरीदा जलाल जैसे लोग शामिल थे। उस इवेंट के 2 फाइनलिस्ट बने राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। इस टैलेंट हंट के विजेता की घोषणा फिल्म फेयर के एक इवेंट में होनी थी, जहां तकरीबन पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद रहने वाली थी, मगर उससे पहले दोनों फाइनलिस्ट को वहां बैठे दर्शकों के लिए परफॉर्म करना था। इवेंट वाले दिन राजेश खन्ना और फरीदा जलाल की परफॉर्मेंस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुई। ठीक उसी वक्त वहां ऑडियंस में बैठे राजश्री प्रोडक्शंस के ताराचंद बरजातिया उनसे मिलने चले गए। उन्होंने बैकस्टेज जाकर फरीदा को अपनी अगली फिल्म तकदीर में कास्ट करने की बात कही। फरीदा ने फिल्मों में काम पाने के लिए ही इस टैलेंट हंट में हिस्सा लिया था, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि इस टैलेंट हंट का नतीजा आने से पहले ही उन्हें इंडिया की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी अपनी फिल्म में काम दे देगी। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद टैलेंट हंट का रिजल्ट आया। इसमें राजेश खन्ना के साथ फरीदा जलाल को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। हालांकि ये डिबेटेबल फैक्ट है, तमाम जगहों पर इस टैलेंट हंट के 16 विनर राजेश खन्ना बताए जाते हैं। जब फरीदा ने अपनी पहली फिल्म तकदीर साइन की, तब उनकी उम्र कुछ 15 या 16 वर्ष की ही रही होगी। वे पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नाम के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मगर फिल्मों में काम करने की वजह से फरीदा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहारों की मंजिल और महल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद फरीदा को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आराधना में कास्ट किया गया। वैसे तो इस फिल्म की लीडिंग लेडी शर्मिला टैगोर थी, मगर फरीदा को भी राजेश खन्ना के ऑपोजिट ही कास्ट किया गया था। 1969 में आई आराधना के बाद फरीदा पुरस्कार नाम की फिल्म में जॉय मुखर्जी के साथ बतौर लीडिंग लेडी नजर आई। फिल्म नहीं चली, तब दिलीप कुमार बहुत बड़े नाम थे। उस दौर का हर एक्टर अपने करियर में कम से कम एक फिल्म उनके साथ जरूर करना चाहता था, मगर दिक्कत यह थी कि दिलीप साहब सिर्फ गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया करते थे। उन्होंने 5 दशक लंबे करियर में मात्र 65 फिल्मों में काम किया। खैर, इसी समय फरीदा को दिलीप कुमार की 1970 में आई फिल्म गोपी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका रोल दिलीप साहब की बहन का था। अपने करियर की शुरुआती दौर में किसी सुपरस्टार की बहन का रोल करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए घातक हो सकता है, मगर फरीदा ने यह सब बिल्कुल नहीं सोचा। जब उन्हें गोपी ऑफर हुई तो उन्होंने उसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि दिलीप साहब के साथ काम करने के लिए फिल्म के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। गोपी के बाद हिंदी फिल्म का हर हीरो फरीदा को फिल्म में अपनी बहन के रोल में चाहता था। फरीदा को 1971 में आई फिल्म पारस में संजीव कुमार की बहन के रोल में कास्ट किया गया। ये वो फिल्म थी जिसमें काम के लिए फरीदा को अपने करियर का पहला अवार्ड मिला, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। इसके बाद सलीम जावेद की लिखी फिल्म मजबूर में फरीदा जलाल नजर आई। इसमें वो अमिताभ बच्चन की बहन के रोल में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए फरीदा को उनके करियर का दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। वो टाइपकास्ट नहीं हुई, उन्होंने आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया।
अमर प्रेम, बॉबी, धर्मात्मा और शतरंज के खिलाड़ी जैसे हिट फिल्मों के काम के बाद फरीदा फिल्मों से गायब होने लगी थी। इसी समय फरीदा को जीवन रेखा नाम की फिल्म ऑफर हुई। वह इस फिल्म की हीरोइन थी और उनके हीरो थे तबरेज बरमावर। तबरेज ने प्यारे मदीना समेत कुछ सोशल मुस्लिम सिनेमा में काम किया हुआ था। जीवन रेखा पर साथ काम करने के दौरान फरीदा और तबरेज के बीच कुछ पकने लगा। दोनों प्रेम में पड़े और नवंबर 1978 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद फरीदा के फिल्म ऑफर्स सूखने लगे। ऐसे में एकाध साल मुंबई में गुजारने के बाद वे अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई। बेंगलोर में तबरेज की साबुन की फैक्ट्री थी। कुछ समय बाद दोनों को एक बेटा पैदा हुआ। फरीदा उसमें व्यस्त हो गई और फिल्मों से उनका वास्ता लगभग खत्म सा हो गया। 80 के दशक के आखिर में ये जो है जिंदगी की शूटिंग के लिए फरीदा मुंबई आने की तैयारी कर रही थी, तभी उन्हें राज कपूर की आखिरी फिल्म मानी जाने वाली हीना का ऑफर आया। कहा जाता है कि हीना की सारी तैयारी राज कपूर ने खुद ही की थी। फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले वो गुजर गए, मगर मरने से पहले उन्होंने फरीदा जलाल से किया अपना वादा पूरा कर दिया था। हीना फरीदा जलाल की कमबैक फिल्म बनी। इसके लिए उन्हें एक बार फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा बताती हैं कि वो हीना को अपनी आखिरी फिल्म की तरह देख रही थी। फरीदा चाहती थी कि हीना में काम करने के बाद पूरी तरह से फिल्म छोड़कर फैमिली पर फोकस किया जाए। हीना की सफलता का जश्न मनाने के लिए मुंबई में ताज होटल में एक पार्टी रखी गई थी। यहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट के साथ फरीदा भी मौजूद थी। इस पार्टी में कई फिल्म मेकर्स उनसे मिलने आए और वो सब लोग चाहते थे कि फरीदा उनकी फिल्म में काम करें। यहां से फरीदा की इमेज एक हीरोइन या सेकंड लीड से बदलकर माँ और दादी की हो गई। 90 के दशक की कई हिट फिल्मों में उन्होंने इस तरह के रोल्स निभाए और इन किरदारों में उन्हें खूब पसंद किया गया। 1997 में आई दिल तो पागल है और 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस ने फरीदा जलाल को अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया। फरीदा के करियर की सेकंड इनिंग्स में इन्हीं दो प्रोडक्शन हाउस से निकली फिल्मों ने उन्हें नई पीढ़ी से रूबरू करवाया था। यशराज और धर्मा की फिल्मों में फरीदा को न लिया जाने की वजह किरण खैर को माना गया, क्योंकि अनुपम और किरण खैर की इन दोनों ही प्रोडक्शंस कंपनियों के सर्वे सर्वा लोगों के साथ काफी करीबी संबंध थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि शाहरुख के साथ हुई खटपट ने फरीदा को इंडिया के दो चर्चित प्रोडक्शंस कंपनियों से दूर कर दिया, मगर ये बहुत पुष्ट खबरें नहीं मानी जाती। 2003 में पति के इंतकाल के बाद फरीदा जलाल बेटे के साथ ही रहने लगी। अपने जीवन में 200 से अधिक फिल्मों में दमदार किरदार निभाने वाली सशक्त कलाकार फरीदा जलाल अब मुंबई और बेंगलोर आती जाती रहती हैं और ज्यादातर समय बेटे और उसकी फैमिली के साथ ही बिताती हैं। 74 साल की होने आई फरीदा जलाल को अपने जीवन के किसी भी घटनाक्रम से कोई दुख या मलाल नहीं है और वे आज भी अपना जीवन जिंदा दिली से जीती हैं। अगर एपिसोड जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।